Hi guys, very welcome to my YouTube channel. Hope you guys all are doing great. So today's video is a festival makeup look. This is especially for the Navratri festival, Dandiya and Garba makeup look. सो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मेकअप दिखाया है एंड इसी का मैंने सेकेंड पार्ट भी शूट किया है, उसमें मैं आपको स्टाइलिंग्स दिखाऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो दिस फेस्टिव मेकअप लुक इज स्पेशली फॉर द डांडिया एंड गरबा नाइट. डांडिया एंड गरबा रात में होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेकअप मैंने थोड़ा सा डार्क किया है बिकॉज रात में हमारे फेस पे लाइट पड़ती है तो लाइट मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. थोड़ा सा डार्क मेकअप करते हैं तो फेस अच्छा लगता है. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप किया है ऑयल बेस्ड प्राइमर के साथ. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है, इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं. उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है अपने फेस पे, अच्छे से अपने डार्क एरियाज़ को कंसील कर लिया स्पेशली फॉर द अंडर आइज़ एंड उसी को मैंने आई बेस की तरह भी यूज़ किया है, अपने आईलेट पर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. सो आफ्टर द कंसीलर आई विल स्टार्ट माई आई मेकअप. आई मेकअप मैंने थोड़ा सा डार्क किया बिकॉज डांडिया गरबा नाइट जो होती है वो रात में होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्मोकी आई लुक यहाँ पे क्रिएट किया है. उसके लिए मैंने सबसे पहले बहुत ही बेसिस का कलर लेके अपने आईलेट पे पूरा लगा लिया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद मैं एक डार्क कलर का ब्लैक कलर का मैं लेना चाहती थी बट ब्लैक कलर का आई शेडो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का एक आई शेडो लेके अपनी कट क्रीज के कॉर्नर पर उसको थोड़ा सा लगा के ब्लेंड किया है, जैसे आप देख सकते हो. एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने काजल यूज़ किया है स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए. काजल को मैंने आईलाइनर की तरह पहले लगाया है एंड देन उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्मच कर लिया है. मेरे पास ब्लैक आई शेडो था नहीं इसलिए मैंने काजल का यूज़ किया. अगर आपके पास ब्लैक आई शेडो है तो आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए. उसके बाद मैंने फाइनल थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई किया है. उसके बाद सारा आई शेडो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड देन आई विल यूज़ द ब्लैक आईलाइनर. यहाँ पे मैंने हल्का सा विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है एंड थोड़ा सा मोटा भी ड्रॉ किया है. एंड आफ्टर दैट मैं ब्लैक काजल को अपने लोअर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी. थोड़ा सा मैंने बाहर करके लगाया है बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ द थिक लेयर ऑफ काजल, तो उसको आपको थोड़ा सा बाहर आउटर लाइन पे लगाना होता है इंस्टेड ऑफ अंदर की तरफ आप जो वाटर लाइन पे लगाते हो उसकी जगह थोड़ा सा बाहर करके आप लगाओगे तो वो आपका काजल थोड़ा सा मोटा दिखेगा और आपकी आईज़ भी थोड़ी बड़ी दिखेगी. एंड देन उसके बाद मैंने आई शेडो डार्क आई शेडो लेके हल्का सा लगा लिया है, स्मच कर लिया है. After that, I will fill my eyebrows and then I will just clean my face to start my face makeup. यहाँ पर मैंने foundation के साथ illuminator भी लिया है just for the glowing look. उसके बाद उसको अच्छे से brush की help से blend कर लिया है. After that, I will use the compact to pack my all the foundation. And then some blush on my cheekbones. And the final is highlighter. So highlighter मैंने cheekbones पे, nose पे, forehead पे लगा लिया है. एंड फाइनली मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मैं मस्कारा लगाना बिल्कुल भूल गई थी. सो मैंने सबसे पहले कलर से अपने लैशेस को थोड़ा सा कर्ल किया है एंड देन आई एम अप्लाइंग दी मस्कारा. एंड देन फाइनली आई विल कंप्लीट माय लुक विद दिस डार्क ब्राउन कलर लिपस्टिक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल कम्प्लीट माई लुक विद द ब्लैक बिंदी. मेरे पास ब्लैक बिंदी थी नहीं तो मैंने काजल से ही बिंदी लगा ली. सो या आई एम डन फॉर माई मेकअप लुक. मिलते हैं अब आपसे ड्रेस पहनने के बाद. यहाँ पे मैंने अपना आउटफिट पहन लिया विच इज़ इन ब्लैक कलर एंड ब्लैक कलर का मैंने टॉप पहना है. हेयर स्टाइल के लिए पहले मैंने सोचा बाल खुले रखती हूँ, मैंने ट्राई किया बट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था लुक. सो आई थॉट कि गर्मी भी हो रखी थी तो मैंने हाई पोनी बनाना ही बेटर समझा
एंड यू नो वॉट, हाई पोनी काफ़ी अच्छी लग रही थी इस ड्रेस पे पूरे, तो इसलिए मैंने हेयर स्टाइल के लिए हाई पोनी बनाई। एंड अगर आप डांडिया या गरबा नाइट के लिए जा रहे हो तो यू नो आप जूड़ा या फिर हाई पोनी बना के जाते हो तो आप टेंशन फ्री डांस भी कर सकते हो। खुले बालों में बाल इधर उधर जाते हैं, आपका ध्यान बालों में जाएगा सेट करने में, सो इट्स बेटर कि आप हाई पोनी या फिर बन बनाओ तो आप टेंशन फ्री होकर डांस कर सकते हो। उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी पहनूंगी, तो ज्वेलरी मैंने सेम कलर में ही चूज़ की है, ब्लैक एंड गोल्डन टच में ही मेरी ज्वेलरी है। ये है मेरे इयररिंग्स एंड नेकलेस के लिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप का ब्लैक एंड गोल्डन कलर का एक नेकलेस सेलेक्ट किया है। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद माई ड्रेस। एंड आई थिंक जैसा मेरा टॉप का नेक है उस पर एक चोकर नेकलेस ही अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू वेयर दिस काइंड ऑफ नेक पीस जो कि मेरे गले से चिपक के बैठे। एंड इयररिंग्स के लिए मैं दो तरीके के इयररिंग्स में कंफ्यूज थी, एक लॉन्ग था एक शॉर्ट था, तो पहले मैंने दोनों ही ट्राई किए बट मुझे लगा कि ये जो शॉर्ट वाला है जो टॉप्स टाइप में वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज मेरे बालों में मैंने पोनी बना रखी थी, तो अगर आप जो पोनी या फिर बन बनाते हो ना तो टॉप्स टाइप के जो इयररिंग्स होते हैं वही अच्छे लगते हैं। अगर बाल खुले होते हैं ना तो लॉन्ग इयररिंग्स अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बालों के साथ जाते हैं तो वो तब अच्छे लगते हैं, बट अगर आप पोनी या बन बनाते हो ना तो यू नो टॉप्स स्टाइल के जो इयररिंग्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंगल्स पहन लिए हैं एंड रिंग पहन लिए हैं। सो या आई एम ऑल सेट फॉर द गरबा एंड डांडिया नाइट। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको स्टाइलिंग दिखाऊंगी। सो या गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।